शुरू करते हैं सिक्स क्लास का इंग्लिश का पहला चैप्टर। देखिए सिक्स क्लास में आपकी इंग्लिश की दो बुक्स लगी हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट बुक है इंग्लिश रीडर, जिसका नाम है हनी सकल, तो हम लोग उसका पहला चैप्टर पढ़ लें, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक का होमवर्क कौन करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको इसका पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको लेसन की समरी बता के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी और उसके बाद हम लोग वीडियो को फिनिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है बिफ़ोर यू रीड, पढ़ने से पहले, तो क्या लिखा है? डिस्कस इन क्लास। तो ये चीज़ आपको अपने क्लास में डिस्कस करनी है। क्या डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है? डू यू डू इट सेल्फ, क्या आप इसको अपने आप करते हैं? और डू यू गेट हेल्प, या किसी की मदद लेते हैं, ठीक है। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, यानी वो कौन सा है होमवर्क है जो आपको जनरली मिलता है, ठीक है। चलिए तो हम इससे शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको ये दिख रहा है ये बच्चा जो है इसका ये नाम पैट्रिक है, ठीक है। तो पैट्रिक जो होता है वो आप जैसी उम्र का बच्चा है, लेकिन उसे पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं चाहता है। इसके अलावा उसे अपना होमवर्क को लर्न करना बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, ठीक है। वो क्या काम करता है, उसे जो मज़ा आता है किस में आता है? कंप्यूटर चलाने में, कंप्यूटर के गेम खेलने में, जैसे आजकल आप लोग हैं मोबाइल के गेम में मज़ा आ रहा है ना, या फिर बेसबॉल खेलना। ये क्योंकि इंग्लिश स्टोरी है ना, तो इसमें बेसबॉल इन सब चीज़ों का ज़्यादा जिक्र आता है, कल यहाँ पे क्रिकेट का या इस टाइप का जिक्र नहीं आते, ठीक है। यहाँ क्या आता है? बेसबॉल, बास्केटबॉल, ये देखें यहाँ लिखा है ना, ये सब, इसे ये सब खेलने में बहुत मज़ा आता है। फिर क्या होता है, वो इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता है और अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता, और उसको टीचर्स भी डांटते हैं कि अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे, पढ़ाई लिखाई से ही दुनिया चलती है ना। लेकिन वो कभी भी इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देता और अपनी पढ़ाई लिखाई को कभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता और हमेशा खेल कूद में लगा रहता है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, जब वो देखता है कि उसकी बिल्ली एक गुड़िया के साथ खेल रही है, तो वो दौड़ के उसके पास जाता है, वो गुड़िया उससे छीन लेता है बिल्ली से। तब वो देखता है कि वो बिल्ली नहीं है, वो असलियत की एक आदमी है, ठीक है। और वो ये देख के बहुत हैरान हो जाता है कि वो एक बहुत छोटा सा आदमी है जो कि पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए, पैंट शर्ट सब कुछ पुराने ज़माने के पहने, ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। एक टोपी भी लगाए है जो मतलब जादूगर टाइप के लोग लगाते हैं, ठीक है। और वो ये सब चीज़ें देख के ना बहुत हैरान हो जाता है कि ये तो बौना है इसका मतलब। तो वो बौना उससे कहता है कि भाई तुम मेरी मदद करो, ये बिल्ली कहीं मुझे खा ना जाए, ठीक है, क्योंकि बिल्ली तो मीट खा लेती है ना। तो कहते कहीं ऐसा ना हो कि बिल्ली मुझे खा ले, तुम मेरी हेल्प करो, और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे ना तो मैं तुम्हारी एक विश ज़रूर पूरी करूँगा, जो भी तुम कहोगे मैं वो करूँगा, ठीक है। तो वो कहता है ओके डन, तो वो उसे बिल्ली को भगा देता है और उसको मान लेता है, ठीक है। और वैसे भी पैट्रिक एक बहुत शैतान लड़का है, तो उसे भी खुशी होती है, कह रहे वाह ठीक है, मैं इसे बचा लूँगा और इससे अपने 35 दिन का जो होमवर्क बचा है वो होमवर्क करवा लूँगा। तो वो जो है वो भी अब प्रॉमिस कर लेता है, जो ये छोटा आदमी दिखाया है ये प्रॉमिस कर लेता है कि ठीक है मैं तुम्हारा जो है होमवर्क कर दूँगा 35 डेज़ का। देखिए यहाँ लिखा है ना कि 35 डेज़ का आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, तो वो मान जाता है। लेकिन क्या होता है, पैट्रिक भी खुश रहता है कि अरे वाह मज़ा आ गया, अब तो 35 दिन तक मैं सिर्फ खेलूंगा और मेरा वर्क ये सारा कंप्लीट कर देगा। लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने ज़माने का आदमी होता है और उसने कभी भी स्कूल की पढ़ाई नहीं की होती है, इस वजह से वो विश तो पूरी करना चाहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा, लेकिन जब उससे कोई वो चीज़ आती नहीं तो वो कैसे करता है, ठीक है। तो वो कहता है पैट्रिक से, देखो तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूँगा। तो बौना क्या करता है, अपनी समस्या बताता है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो पैट्रिक को बताता है और कहता है देखो तुम मुझे पढ़ के सुनो और मैं तुम्हारा काम करूँगा, ठीक है। जब उसे एक चीज़ की मीनिंग नहीं समझ में आती तो उससे कहता है कि चलो एक काम करो, तुम डिक्शनरी लेके आओ और मुझे इस शब्द का मतलब बताओ, ठीक है। वो फौरन डिक्शनरी लेके आता है, पैट्रिक उसे बता देता है कि देखो इस शब्द का ये मतलब है, वो कर देता है। उसके बाद जब वो मैथ्स का काम करने बैठता है तो अब उसे टेबल्स नहीं आते हैं, तो वो पैट्रिक से कहता है देखो तुम मुझे टेबल बताओ, मैं तुम्हारे जोड़ घटा जो भी सवाल है, भाग के मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी सवाल है, मैं सारे सवाल तुम्हारे कर दूंगा। तो अब पैट्रिक उसको टेबल सुनाता है, वो जल्दी जल्दी काम कर लेता है। इस तरह से जब वो मानव इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ता है, ह्यूमन हिस्ट्री जब वो पढ़ना शुरू करता है तो वो भी उसे नहीं आता है। तो पैट्रिक से कहते हैं काम करो, तुम मुझे ना बुक के पेज पढ़ के सुनाओ, तो मैं बता दूंगा कि इसका आंसर कहाँ पे, और फिर मैं वही लिख भी दूंगा, तो रीडिंग तुम करके सुनाओ। इस तरह से कहने का मतलब ये
कि वो सारा काम करवाता है किससे, पैट्रिक से ही करवा लेता है, ठीक है। और फिर वास्तव में क्या होता है, अगर हकीकत में देखा जाए तो क्या है कि बोना जो है हर दिन पैट्रिक को व्यस्त रखता है ताकि पैट्रिक पढ़ने लगे। रात में भी बहुत देर देर तक उससे जगा के कराता है कि भाई मैं तो तुम्हारा काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए तुम्हें जगना पड़ेगा, ठीक। अब वो जगता रहता है और रात दिन पढ़ता है। अब देखिए, जब हम कोई काम करने लगते हैं तो फिर हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है। इसी तरह से पैट्रिक जब वो होमवर्क करने लगता है तो पैट्रिक को भी मज़ा आने लगता है ये सब करने में, बुक्स पढ़ने में। देखिए, जब वो पहले पढ़ ही नहीं रहा था तो उसे क्या समझ में आएगा कि उस बुक में क्या है, लेकिन जब वो पढ़ने लगता है तो उसे पता चल जाता है अच्छा इस बुक में ये, तो उसे मज़ा आने लगता है। इसी तरह से वो बोने की हेल्प करता है लेकिन पढ़ने खुद लगता है। और जब लास्ट डे होता है स्कूल में वर्क सबमिट करने का, तो वो बोना जो है वो चुपचाप वहाँ से भाग लेता है पीछे दरवाजे से, और पैट्रिक जाके अपना सारा जो वर्क है, जितना भी होमवर्क उसे मिलता है, वो सारा जाके अपने टीचर्स को दे देता है। अब सारे वर्क्स में उसे पैट्रिक को क्या मिलता है, ई ग्रेड मिलता है। क्या मिलता है? ए ग्रेड मिलता है, ठीक है। जब सारे वर्क्स में पैट्रिक को ए ग्रेड मिलता है तो टीचर्स भी खुश हो जाती है। देखिए ना, ये लिखा है पैट्रिक गॉड हिज ई, है ना, यानी उसे ए ग्रेड मिलता है, सबसे टॉप का मिलता है। और हमें सारे टीचर्स वगैरह भी खुश हो जाते हैं, कह रहे वाह ये बच्चा तो इतना अच्छा हो गया। और उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो सब ये सब देख के भौचक्के रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे इतना अच्छा हो गया पढ़ने में, है ना, क्योंकि सबको पता होता है ये पढ़ने लिखने में है नहीं। और जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो भी अपने बेटे में नया बदलाव देख के बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह मेरा बेटा पढ़ने लिखने लगा, है ना। इस तरह से पैट्रिक जो अभी खेल कूद का और शैतानी करने में माहिर था, वो अब पढ़ने लिखने में अच्छा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर उस दिन के बाद से पैट्रिक सारा होमवर्क समय पे और बहुत अच्छे से अपने आप करने लगा। तो इस तरह से ये स्टोरी आपकी ख़त्म होती है। चलिए, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं और उसके बाद इस लेसन को फिनिश करेंगे। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ ये जो वर्किंग विद टेक्स्ट है ना, ये 6 क्वेश्चंस सिर्फ यही क्वेश्चंस कराऊंगी। ये जो वर्किंग विद लैंग्वेज है, ये क्वेश्चंस इतने नहीं आते, लेकिन क्योंकि फिलहाल चलिए ये तो मैं आपको दिखा भी दूंगी कीवर्ड्स और फ्लग, ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं ये सब नहीं आती हैं। चलिए, तो हम लोग आंसर्स को देख लेते हैं फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। अब आपका पहला क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, देखिए, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग ही विद, यानी वो पैट्रिक जो था उसे क्या लग रहा था उसकी बिल्ली जो है वो किसके साथ खेल रही है। वॉट इज़ इट रियली, लेकिन वॉट वॉज इट रियली, लेकिन वो हकीकत में क्या था, क्या जो पैट्रिक सोच रहा था वो सचमुच वही था। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है कि पैट्रिक की जो बिल्ली थी, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल, यानी उसको लग रहा था कि उसकी जो बिल्ली है वो एक डॉल के साथ खेल रही है। बट ही वॉज मिस्टेकन, यानी वो गलती कर रहा था, द डॉल वॉज रियल ए लिटिल मैन और इफ, यानी वो जो डॉल थी या वो सचमुच एक छोटा आदमी था या एक बौना था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश, ठीक है, यानी उसने छोटा जो व्यक्ति था यानी वो छोटा आदमी जो था उसने ऐसा क्यों कहा कि वो उसकी एक विश पूरी करेगा। तो यहाँ से लिख देंगे, द लिटिल मैन वॉज इन सीरियस ट्रबल, यानी वो एक सीरियस मुसीबत में था, बहुत बड़ी परेशानी में था, और एक डेंजर यानी कि और मुसीबत में था, ठीक है। ही अपील्ड टू पैट्रिक टू सेव हिज लाइफ, यानी उसने क्या कहा, उसने पैट्रिक से अपील की कि वो उसकी लाइफ को बचाए, यानी उससे रिक्वेस्ट करी किससे, फ्रॉम द कैट, बिल्ली से, ठीक है। और इसीलिए उसने कहा कि वो अपना प्रॉमिस करेगा, यानी वो उसकी एक विश को पूरा करेगा। इन रिटर्न, यानी उसके बदले में, ही प्रॉमिस, वो वादा करता है, टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक, यानी कि वो एक विश पैट्रिक की पूरी करेगा, क्योंकि पैट्रिक बस उसकी जान बचा लेगा, यहाँ ऐसा ना हो कि बिल्ली उसको मार डाले। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक ने उससे क्या विश मांगी, पैट्रिक ने क्या कहा। तो उसने, पैट्रिक ने जो विश मांगी वो क्या मांगी लिटिल मैन से, मैन शुड डू ऑल दिस ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेशन, यानी कि जो ये सीजन चल रहा है, यानी 35 दिन का आपको मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, ये उसने विश मांगी। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प, यानी वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसमें लिटिल मैन को
हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक्स होमवर्क करने के लिए कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें उसने किसी की सहायता ली, यानी किसकी मदद ली? तो क्या था? लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प। उसने पैट्रिक की हेल्प ली, किसमें ली? इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री। इंग्लिश, मैथ्स और हिस्ट्री में उसने हेल्प ली। अगला क्वेश्चन है आपका, हु डिड पैट्रिक्स हेल्प हिम? ठीक है, पैट्रिक ने उसकी सहायता कैसे की, यानी जो छोटा आदमी था उसकी मदद की ना उसने, तो कैसे की? तो बताया, पैट्रिक हैड टू कंसल्ट अ डिक्शनरी। ठीक है, पैट्रिक ने उसे डिक्शनरी बताई। हमने भी पढ़ा था कि जब उसे इंग्लिश की मीनिंग समझ में नहीं आए थे कुछ वर्ड्स के, तो उसने डिक्शनरी मांगी थी पैट्रिक से, है ना, और गाइड मांगी थी। इसके अलावा सम्स करने के लिए उसने बुक्स मांगी थी, है ना, और कुछ चीज़ों को कहा था कि हिस्ट्री जो है उसका, हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ के रीड करके सुनाओ ताकि मैं आंसर्स लिख सकूं। तो उसने वो सारी चीज़ें उसने सुनाई थी ताकि जो एल्फ है या जो लिटिल मैन है वो उसका होमवर्क कर सके। अब आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6, हु डू यू थिंक, तुम क्यों ऐसा सोचते हो, डिड पैट्रिक्स होमवर्क? ठीक है, यानी आप ऐसा क्या सोचते हैं कि बताइए पैट्रिक का काम किसने किया? अ लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, यानी पैट्रिक ने खुद किया होगा या एक वो जो बौना आदमी था उसने किया होगा? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और अपने आंसर को आप रीज़न के साथ बताएं। ठीक है, तो आप बताएंगे जो गाइड में लिखा है इसमें, तो इसमें क्या लिखा है देखिए कि ट्रूली स्पीक, अगर हम सच कहें, इट वॉज नॉट बाई एल्फ, यानी उसे एल्फ ने नहीं कहा था, बट पैट्रिक हिमसेल्फ हु हैड डन ऑल द होमवर्क। यानी अगर देखा जाए तो पैट्रिक ने खुद अपना सारा होमवर्क करा। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्टली पैट उसको एल्फ को बता रहा था, तभी तो उसने सारा ये करा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जो मेन 6 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा अभी आपका वर्किंग विद लैंग्वेज आता है, इसमें आपके फिलअप्स हैं। तो देखिए ये जो आपके फिलअप दिए गए हैं इनको आप क्लियरली बुक में देख सकते हैं, और इनके आंसर देखिए यहाँ पे मैंने शो कर दिए हैं आपको। तो जैसे अब आपका पहले में जो आएगा वो ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, सारे मैंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं, आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा ये पज़ल है, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ना, पज़ल्स में 1, 7, 2, 6 लिखा दिख रहा है ना ये नंबर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये 3, देखिए अभी ये रहा 3, है ना, ये यहाँ पे 8, 4, अब ये 4 ऐसे बनेगा, 8 ऐसे बनेगा, 3 ऐसे बनेगा, 6 ऐसे बनेगा, 2 ऐसे बनेगा, 7 ये वाला बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेंगे। तो अब देखिए इनके आंसर्स जो हैं, ये देखिए यहाँ पे ये आपके इनके आंसर्स हो गए, ये रहे। ठीक है, तो आप ये आंसर्स भी कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।